हेलो एवरीवन, दिस इज ज्ञानेन वर्मा। एक्चुअली आफ्टर गेटिंग नंबर ऑफ क्वेरी फ्रॉम योर साइड एज अ पेरेंट और अ स्टूडेंट, आई हैव मेड नंबर ऑफ चेंजेस हियर। बेसिकली बहुत सारे यहाँ पर रिप्लाई आ रहे थे कि मैं फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए पहला ये हमारा स्टेप है। इस स्टेप को केयरफुली आप लोग पहले रीड कर ले, इसमें जो भी टर्म्स लिखे हैं उसको हम लोग फॉलो कर लें। जैसे फर्स्ट, टू गेट रजिस्टर्ड विद दिस पार्टिकुलर मिड टर्म एग्जामिनेशन प्रोसेस यू हैव टू गो विद दिस लिंक। इस पार्टिकुलर लिंक से आपको काम करनी है, या फिर आप स्कूल के वेबसाइट से जाकर के भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड हियर यू विल आइडेंटिफाई द मिड टर्म एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल इन द नोटिस बोर्ड। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप हो गया कि इस पार्टिकुलर वेबसाइट को आपको एक्सेस करना है। या तो आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप http://www.dacandgaya.com/exam में ई कैपिटल है, यहाँ देख लेंगे आप। नेक्स्ट स्टेप नंबर टू, यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आफ्टर विजिटिंग यू विल फाउंड अ लॉगिन स्क्रीन, नाउ प्रोवाइड एडमिशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड देन सेलेक्ट and then click on submit button. That is a very simple step. मैं इसको first यहाँ करके दिखाता हूँ। ये screen हमारा, मैंने Google Chrome use किया। Actually Google Chrome is the best for this particular work. अगर आपको examination देनी है या फिर इससे related कोई भी काम करनी है, you have to. That means if my opinion or you can say that my experience, Google Chrome is the best for this particular thing. Here you will find the screen that ask you your admission number and date of birth, these two things. Let I am going to go for any random name, admission number, that is 8080. Here I provide 8080. Actually jinka bhi hai, aapko ye sirf demo karne ke liye maine isko use kiya hai. Aapka agar registration nahi hoga to aap isko register kar loge isi process mein. Now here is the password. Like this password नहीं, इसको हम लोग डेट ऑफ बर्थ करेंगे नॉर्मली 06 सॉरी नाउ पुट दिस वन सबमिट। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट हियर एंड दिस विल द ब्लैंक स्क्रीन राइट नाउ बट यू हैव टू गो विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन as I given here. In step number 2, after the visiting you have to click on submit, as we have already done it. ये कर लिया है, screen change हो गई है हमारी। अब हम बात करेंगे step number 3. Step number 3 में क्या लिखा हुआ है कि in appeared page click on menu displayed at right top screen. ये रहा हमारा right, ये रहा top. Right top इस menu पे click किया and then click on home button to identify your details. Like this. तो ये हमें मिल गया इन्फॉर्मेशन, बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अभी तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, ये यहाँ पे दिखला रहा है, ठीक है। नाउ अगर ये चाहते हैं कि इनको रजिस्टर करना है, जस्ट क्लिक ओवर इट एंड गो थ्रू रजिस्ट्रेशन बटन, जो कि मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में बताई है, ठीक है। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आने के बाद इसको ऐसे बंद कर लीजिए, यहाँ से आके इस पर क्लिक कर बंद कर लीजिए। ये आपका एडमिशन डिटेल है एंड देयर आफ्टर ये आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल है। एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर, क्लिक करते हैं इस पे, क्लिक टू रजिस्टर एंड हियर यू विल हैव टू प्रोवाइड अ क्लास नेम, सेक्शन नेम, करेंट रोल, ईमेल एड्रेस एंड करेंट मोबाइल नंबर। एक चीज यहाँ पे केयरफुली रहे कि आपका क्लास जो है करेंट में आप वही देंगे, ये नहीं कि आप अपना कंसल्टेशन ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर और इन सब चीज़ों में रख दो और ये भूल जाओ। अगर ऐसे कंडीशन में अगर आते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है अपडेट करने का। दैट मीन्स अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कर लेते हैं हम लोग यहाँ से सेलेक्शन करके, क्योंकि हमें क्लास चेंज करनी है, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट, तो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये इनका है, ये खुद करेंगे। नेक्स्ट मैं बैक आता हूँ। जैसे ही आप अगर मान लो रजिस्टर कर लिया, अब उसके बाद आपको देखना है कि रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं हुई है, तो आप इस होम बटन पे क्लिक करेंगे कि आपको आइडेंटिफाई करा देगा कि अभी ये हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए ओके, मैं अब दूसरा यूजर का देखता हूँ, जो कोई भी जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से।
इस पार्टिकुलर स्क्रीन पे क्लिक करके लॉग आउट किया तो जस्ट फिर से वही स्क्रीन आ जाएगा। फिर आपको प्रोवाइड करना है कोई भी एक रैंड, मतलब अपना एडमिशन नंबर जो आपका है आप वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रोवाइड डेट ऑफ बर्थ। नाउ क्लिक ऑन सबमिट। बस मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इन दोनों में जो मैंने अभी दिखाया तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मैं सिर्फ डेमो क्लिक कर रहा हूँ। ये रस हर्षराज है और ये याद रखें लॉग आउट बटन है। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है उसके बाद आपको लॉग आउट करनी है। नाउ हियर इज द मेन्यू। अब मैं इसमें जाता हूँ होम पे, पता करता हूँ पहले कि रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है। चलिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। देयर इज अ मैसेज, यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन, वेल डन। और लास्ट में एक बटन भी दे रहा है अपडेट। दैट मींस कि अगर मान लीजिए आपने कोई ईमेल आईडी गलत डाल दी थी या फिर किसी और का डाल दी थी, तो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा कि जो भी बच्चे हैं हर बच्चे का इंडिविजुअल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आप अगर मान लो रजिस्ट्रेशन एक ही ईमेल आईडी पे मल्टीपल स्टूडेंट का कर लेते हो, जैसे कि मान लो आप दो भाई बहन हो या चार भाई बहन हो और आपने एक ही ईमेल आईडी से रजिस्टर कर ली है, तो आपके एक ही ईमेल आईडी पे वो सारे नोटिफिकेशन जाएंगे एंड उस पर्टिकुलर थीम में आपका अंडरस्टैंडिंग ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन सा नोटिफिकेशन किस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ मेरा सजेशन होगा कि आप जितने भी स्टूडेंट हो, आप अपना पेरेंटियल, अगर आप एलिजिबल नहीं हो 13 ईयर एज से अगर बिलो हो, तो आप अपना पेरेंटियल ईमेल आईडी बना ले मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, भैया के नाम पे, या फिर अपने अपने नाम से तो आप नहीं बना सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप 13 बिलो हो तो 13 अगर आप हो तो आप बना सकते हो पेरेंटियल ईमेल आईडी। अदरवाइज आप पेरेंट की ईमेल आईडी यूज करेंगे और यहाँ पे पेरेंट्स को अलग अलग आईडीज यूज करने पड़ेंगे, दैट मीन्स अलग अलग ईमेल आईडी क्रिएट करने होंगे स्टूडेंट के नेम के हिसाब से, ठीक है। दैट इज रिक्वायर्ड क्योंकि ताकि हम लोग जब कम्युनिकेशन किया जाए स्कूल से तो आपके पास डेटा अवेलेबल होता है। नाउ अगर मान लेते हैं इसमें कुछ अपडेट करनी है, नाउ क्लिक ऑन अपडेट, सेम विंडो अवेलेबल होगा। जो भी स्टोर्ड है यहाँ पे वो डेटा हमें स्क्रीन पे दिख रही है। और अदरवाइज अगर मान लीजिए इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है तो आप इसका क्लोज कर लेंगे यहाँ से, और ज्यादा कोशिश करेंगे कि इस अपडेट बटन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और बार बार चेंजेस करते हैं तो हो सकता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन मैं स्कूल से देना चाहता हूँ हम लोग देते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आने वाले समय में सारे के सारे एग्जामिनेशन या एकेडमिक से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको इसी पार्टिकुलर पोर्टल से मिलेगी। तो आप इसका केयर करेंगे कि आप इस पार्टिकुलर अपडेट बटन का इस्तेमाल ना के बराबर करें, ठीक है ना। अगर मैं रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ तो क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे सेम स्क्रीन आ रहा है, हमारे पास वो डेटा आ रहा है, क्लिक बटन के लिए भी ऑप्शन आ रहा है, बट जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो एक मैसेज आएगा ऑन द स्क्रीन, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वेल डन, क्लोज। तो इस तरीके से आपको ये काम करनी है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल आपकी पेमेंट ड्यू है तो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है पे नाउ। तो बेसिकली वो पेनाओ आपका ओपन करता है एक वेबसाइट को, davgantgaya.com/osm। याद कर लेंगे ज्यादा आसान है ये। इसे मैंने क्लिक किया, ये स्क्रीन आ जाता है अंदर स्क्रीन। अब अभी करंट में ये ORG मैंने कर दिया, सॉरी .com है ये, इट्स .com। ये स्क्रीन आपके सामने आती है। यहाँ पे जो आपको डालना है यूजर नेम में वो डालना है किसी भी बच्चे का एडमिशन नंबर, और पासवर्ड डालना है जो कि DDMMYYYY के फॉर्मेट में होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 02/05/2010, एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी एक मैंने ज़्यादा दे दिया। तो मान लेते हैं कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो हमें ऐसे ही पासवर्ड लिखना है, ऐसे जो हम लोग ट्रेडिशनल करते हैं स्पेस लगा करके या हाइफन लगा के डैश लगा के, ये काम नहीं करना है। तो ये ध्यान में रहे, ये यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हैं वो ऑलवेज आपका DDMMYYYY के फॉर्मेट में होगा, लेकिन यहाँ कोई सेपरेशन नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई डैश नहीं है। और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे कि आपने कब तक का पे करी है, कितना रुपया पे किया इस ईयर में, एंड देन आफ्टर अगर आपने एक रुपया पे नहीं किया है आपको पे करना है तो आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे मंथ आएंगे, जो भी मंथ आपको पे करना है मंथ सेलेक्ट कीजिए, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड आइदर क्रेडिट कार्ड डिटेल और डेबिट कार्ड डिटेल, दैट इज ATM डिटेल्स।
एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा कि किसी भी अननोन के साथ आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल शेयर नहीं करेंगे। आप इसको अपने पर्सनल लेवल पे करेंगे। आपको ट्रांजेक्शंस करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एटीएम कार्ड नंबर, जो कि आपको ऑन द स्क्रीन लिखा होता है एटीएम कार्ड पे। सेकेंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी डेट, वो भी आपके एटीएम कार्ड के ऊपर में लिखा होता है। उसको उसी फॉर्म में डालना है जो आपका एमएम और वाईवाई के फॉर्मेट में होगा, यानी कि मंथ और ईयर के फॉर्मेट में होगा। एंड लास्ट में होगा दैट एक्चुअली सीएसवी, सीवीवी कोड, जो कि आपके एटीएम कार्ड के पीछे में व्हाइट कलर में तीन कैरेक्टर का लिखा होता है। ये तीनों चीज कभी भी किसी के साथ, अननोन के साथ शेयर न करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इस सब चीजों से बचे और अपने इन सब चीजों को अपने पर्सनल लेवल पे करें, क्योंकि ये जो चीजें बनाई गई है आपके लिए, ये आपके स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए दी गई है। रेफरेंस कि जो भी आपका एकेडमिक से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो आपको यहीं से मिलेगी, एक्सेस करेंगे आप यहाँ से। तो इसका ख्याल रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रोफाइल आइकन होगा, आप लोगों को नजर आ रही होगी, एनिमेट भी हो रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी करेंट में यहाँ पे नथिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली है ये। जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी आएगी वैसे वैसे ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ डिटेल मिलेगा। जैसे होम होम में आपको यहाँ पे एकेडमिक से रिलेटेड जो भी आपके डिटेल्स होंगे वो अपडेट होता रहेगा, कि कोई एग्जामिनेशन है, कोई टेस्ट है या कोई नोटिस आया है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। एकेडमिक प्रोफाइल में आएगा जो आपके अचीवमेंट्स हैं, दैट मीन्स कि आपने जो टेस्ट दिया उसमें एग्जामिनेशन रिजल्ट आया, उसकी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। क्लास हिस्ट्री से आपको यहाँ पता चल जाएगी कि किस डे आपने क्लास की है, किस डे क्लास नहीं की है, करेंट मंथ में या प्रीवियस मंथ में। नोटिफिकेशन पैनल है जनरल नोटिस के लिए, या फिर एक स्पेसिफिक टीचर लेवल के एक्सेस के लिए दिया गया, ताकि आपके पास पहुंच सके इसका इन्फॉर्मेशन। खैर अभी हमारा काम नहीं कर रहा है सिस्टम, अभी जस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी आपको जो काम करने है बस दो टैब पे, रजिस्ट्रेशन टैब एंड देन आफ्टर होम टैब। होम टैब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है कि आप मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो गो फॉर द रजिस्ट्रेशन। हियर यू विल फाइंड क्लिक टू रजिस्टर बटन इफ योर पेमेंट इज नॉट ड्यू। अगर आपका पेमेंट ड्यू नहीं है तब आपके पास ये स्क्रीन पे दिखेगा, अदरवाइज पे नाउ बटन का आएगा आपके पास। एंड जैसे इस पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें मैंने जो प्रोसेस है वो बता दी है। दैट्स ऑल। नाउ अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा जो नंबर है ऑलरेडी दिया हुआ है स्नैप होमवर्क पे, आप उसके थ्रू उस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।